Hello, all these students. Welcome back to the revision classes once again. So we were studying terminology used in livestock production, and in the previous lecture, we have seen some of the commonly used term and some of the important terms that are being used in livestock production. And in the today's lecture, we will see the rest of the terms that are being used now and then in the production in the livestock production. Okay. So first is production ration. प्रोडक्शन राशन किसे कहते हैं इससे पहले वी विल नो कि राशन क्या होता है ट्वेंटी फोर आवर्स का जो पीरियड होता है इसमें एनिमल को जो फीड हम प्रोवाइड करते हैं जो चारा हम एनिमल को प्रोवाइड करते हैं टोटल अमाउंट उसका चाहे दिन में दो बार आप फीड एनिमल को प्रोवाइड कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग या दिन में तीन बार टोटल अमाउंट ऑफ फीड दैट इज़ बिंग प्रोवाइडेड टू दी एनिमल इन अ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आवर ड्यूरेशन उसको हम राशन कहते हैं राशन जो हम देते हैं ये बेसिक बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके मेंटेनेंस के लिए हम जो फ़ीड दे रहे हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम फीड दे रहे हैं एनिमल को फॉर अदर सो फॉर अदर एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय दी एनिमल जैसे कि uh, जो प्रोडक्शन एनिमल्स होते हैं वो लाइक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या मीट तो प्रोडक्शन परपज़ के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड हम देते हैं या वर्क एनिमल्स जो होते हैं जैसे बुल या हॉर्स या डंकी उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड फॉर परफॉर्मिंग वर्क या फॉर ग्रोथ ऑफ़ द एनिमल जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड देते हैं अदर देन राशन उसको प्रोडक्शन राशन हम कहते हैं राइट सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आई थिंक आप सबको पता ही होगा वो फीड जिसमें प्रोटीन की मात्रा ट्वेंटी परसेंट या इससे अधिक है और एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन हम एनिमल को दे रहे हैं तो उस फीड को हम प्रोटीन सप्लीमेंट कहेंगे राइट देन रफेज रफेज आपको पता होगा एनिमल को जो हम फीड प्रोवाइड करते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली दैट इज़ रफेज एंड कंसनट्रेट ठीक है तो वो सारी फीड जिनमें क्रूड फाइबर का परसेंटेज लेस देन एटीन परसेंट होता है उसको हम वी कॉल इट कंसनट्रेट एंड वो सारी फीड जिसमें क्रूड फाइबर का परसेंटेज मोर देन एटीन परसेंट होता है उसको वी कॉल्ड इट रफेज राइट सो कंसनट्रेट में बेसिकली ऑयल केक्स आ जाते हैं एनर्जी के सोर्स आ जाते हैं जैसे प्रोटीन सोर्स लाइक ऑयल केक्स एंड एनर्जी के सोर्स जैसे ग्रेन्स ये कंसनट्रेट के कैटेगरीज में आ जाएंगे और रफिजस में बेसिकली दो कैटेगरीज़ होती है ड्राई एंड दी ग्रीन फॉर्म तो इसमें फॉर एग्जांपल हे साइलेज फॉर्डर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं राइट right. दैन स्क्रब बुलज़ नॉन डिस्क्रिप्ट स्ट्रे जो कैटल्स होते हैं जो स्ट्रीट कैटल्स होते हैं इनको स्क्रब बुल कहते हैं एंड साइलेज साइलेज इज बेसिकली एक्चुअली साइलेज क्या होता है कि एनीमल्स को हम uh, जो ग्रास होती है साइलेज हमेशा जो, जो है फ्रेश जो है फ्रेश ग्रास से या फ्रेश जो uh, फॉर्डर क्रॉप्स हैं ग्रीन ग्रीन जो फॉरेजेस हैं ग्रीन क्रॉप्स उनसे उनसे बनता है ठीक है तो ग्रास या फिर ग्रीन क्रॉप्स जिसको हम एयर टाइट कंडीशन में स्टोर करके रखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उस कंटेनर को साइलो बोलते हैं ठीक है वी कॉल्ड इट साइलो तो इन दैट कंटेनर द ग्रीन ग्रास फ्रेश ग्रीन ग्रास या फ्रेश ग्रीन क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिस गेट्स कन्वर्टेड इन टू साइलेज जो प्रोसेस होता है वो फर्मेंटेशन होता है सो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू दैट ग्रास गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइलेज और ये साइलेज हम एनिमल को फीड कराते हैं राइट एंड हे आप सब ने देखा होगा सूखा घास जो एनिमल को स्टोर करके रखते हैं एंड एनिमल को व्हेन वर इज़ लाइटनेस जब ग्रीन चारा नहीं मिलता है उस टाइम पे हम हे फीड कराते हैं एनिमल को सो हे इज़ बेसिकली ड्राइड फॉर्म ऑफ ग्रास तो डिफरेंस क्या है साइलेज में हमेशा फ्रेश ग्रास हम जो भी ग्रास या कोई भी क्रॉप लेंगे वो फ्रेश फॉर्म में होता है हे में हमेशा ड्राइड फॉर्म में ड्राइड जो ड्राई फॉर्म में ग्रास है उसको स्टोर करके रखते हैं एंड वन मोर डिफरेंस इज दैट मॉइस्चर कंटेंट हे में मॉइस्चर कंटेंट जो है शुड नॉट बी मोर देन ट्वेल्व परसेंट बट साइलेज में जो मॉइस्चर कंटेंट है ये फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट के अराउंड होता है ठीक है सो दिस इज साइलेज एंड ब्रॉयलर यू ऑल नो इधर सेक्स यानी कि मेल मेल बर्ड या फीमेल बर्ड यंग बर्ड जिसको मीट पर्पस के लिए रियर किया जाता है बेसिकली रेड फॉर द मीट पर्पस, उसको दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉयलर एंड ब्रूडर ब्रूडिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था

लिटिल बिट हायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है तो दिस थ्रू दिस इक्वमेंट वी प्रोवाइड वाम और हीट टू दी चिक्स सो वेरियस टाइप्स के ब्रूडर अवेलेबल हैं सम विच आर ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी गैस के थ्रू जो ऑपरेट होते हैं सो लाइक दैट ब्रूडिंग ब्रूडिंग एक प्रोसेस है जिसमें इन दर्स्ट वीक हैचिंग के बाद जो डे फर्स्ट है से लेके एट डेज तक हम चिक्स uh, को जो है आफ्टर दी हैचर हाउस ब्रूडिंग ब्रूडर हाउस में जो है uh, रखते हैं वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू दी चिक्स फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस सो इस प्रोसेस को हम ब्रूडिंग वी कॉल इट ब्रूडिंग एंड ब्रूडी जो है दिस इज़ दी जो दिस इज दी मेटरनल इंस्टिंक्ट यानी कि जो हैंन है उसकी ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ब्रूडीनेस शो करती है यानी कि इट्स 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 कैरेक्टर टू सो दी मेट जो मेटरनल कैरेक्टरिस्टिक है शो करना सो इट वो इट सिट्स ऑन दी एग सो दैट विल प्रोवाइड द रिक्वाड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू दी एग हैचिंग विलाकर ठीक है तो जो आई हैव टोल्ड यू इन दी लेक्चर क्लास ऑल्सो जो देसी हैन होते हैं उसमें ये ब्रूडीनेस जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो देसी हैन होती हैं हैन के ऊपर वो दिट अप ऑन दी हैन एंड जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर uh, है रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो प्रोवाइड करती हैं एंड देन हैचिंग ऑफ द एग आकर एंड कैनिबेजियम वाइसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था वेरियस एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पोल्ट्री का एट द टाइम आई हैव टोल्ड यू व्हाट कैनिबेलिजियम इज़ ये वाइस है विच इज़ सीन इन बैड हैबिट्स सीन इन बर्ड्स इन पोल्ट्री जिसमें में कि जो एक बर्ड है जिसमें ये एबनॉर्मल कंडीशन है ये बैड हैबिट है वो दूसरे बर्ड को जो है इट कॉज़ इंजरी टू द अदर बर्ड फ्लैश ईटिंग हैबिट उनमें डेवलप्ट होती है सो इट इट

बर्ड uh, जो कि कॉक्सीडिया से होता है कॉक्सीडिया एक प्रोटोजोआ है एक पैरासाइट है जो कि बर्ड के इंटेस्टाइन में दी होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होता है बर्ड के इंटेस्टाइन में मिलेगा सो so, इनको इस इसके वजह से जो रेट ऑफ मोर्टिलिटी होती है इट इज़ क्वाइट हाई इन केस ऑफ बर्ड सो इसको कंट्रोल करने के लिए फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस कॉक्सीडियोसिस डिजीज जो हम मेडिकेशन देते हैं उसको काक्सीडियोस टेट बोलते हैं दिस इज एंटी माइक्रोबियल फॉर ट्रीट फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री एंड रूस्टर रूस्टर जो है ये मेल बर्ड को हम कहते हैं जो मेल बर्ड है वी कॉल इट रूस्टर सो इसमें जो यंग बर्ड्स हैं उसको कोकरेल कहते हैं एंड जो एडल्ट वन है उसको वी कॉल्ड इट रूस्टर क्रॉप डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा दिस इज दी पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ईसोफेगस का ही पार्ट है ये एट द एंड ऑफ द ईसोफेगस सो इट इज़ लोकेट देयर बेसिकली यहाँ पे फूड का स्टोरेज द फंक्शन इज स्टोरिंग द फूड फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड फर्टाइल एग यू ऑल नो वट इट इज़ एग फर्टाइल एग उसको कहेंगे जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन फ्यूजन हो चुका होगा सो दैट इट कैन लीड टू दी डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्लाइटी इज कोई भी बर्ड जो कि थोड़ा सा भी अगर प्रोवोक करेंगे तो इट uh, फ्लाइज सो दिस इज़ फ्लाइटी फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम जैसे ग्रुप ऑफ कैटल को हम क्या कहते हैं हर्ड वैसे ग्रुप ऑफ़ शीप को फ्लॉक तो बर्ड में भी जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स उसे फ्लॉक ही कहते हैं फाउल हम जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं उनको हम फाउल ही कहते हैं एंड हैन यू ऑल नो द फीमेल जो चिकन है उसको हम हैन कहते हैं एंड हैंडी एवरेज एंड हैंड हाउस एवरेज क्या होता है किसी भी एग इंडस्ट्री में टोटल एग प्रोडक्शन एग प्रोडक्शन कितना हुआ है डेली बेसिस पे जानना है कि एग प्रोडक्शन कितना हुआ है या वीकली बेसिस पे जानना है पर डे कितना एग प्रोडक्शन हुआ है या पर uh, वीक uh, कितना एग प्रोडक्शन हुआ है या टोटल एग प्रोडक्शन कितना हुआ है इसको जानने के लिए दो प्रिंसिपल मेथड होते हैं फर्स्ट इज़ दी हैंड डे एवरेज एंड दी अदर इज दी हैंड हाउस्ड एवरेज राइट तो हैंड डे एवरेज में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हैंड डे एवरेज में अगर किसी पर्टिकुलर डे में कितना uh, इस मेथड से मेजरमेंट करना है कि कितना एक प्रोडक्शन हुआ है तो दो बेसिस होती है एक कि किसी पर्टिकुलर डे पे एक प्रोडक्शन कितना था या अगर आपको जानना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एग प्रोडक्शन कितना था अगर जानना है किसी पर्टिकुलर डे पे एग प्रोडक्शन कितना था तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि उस पर्टिकुलर डे पे जो टोटल नंबर ऑफ़ हेन हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे बाई नहीं जो टोटल नंबर ऑफ़ सॉरी जो टोटल नंबर ऑफ़ एग प्रोड्यूस हुए उस दिन सपोज़ सपोज़ दैट डे अगर हंड्रेड एग्स प्रोड्यूस हुए तो हंड्रेड डिवाइडेड बाय ऑन डे डू टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स से डिवाइड कर देंगे इंटू हंड्रेड कर देंगे ठीक है अगर किसी टाइम पीरियड के यानी कि अगर आपको जानना है कि थर्टी डेज में कितने एग प्रोडक्शन हुए तो टोटल नंबर ऑफ़ एग जो प्रोड्यूस हुए उन थर्टी डेज़ में डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन थर्टी डेज में लाइफ बर्ड्स किसी कारण से कुछ बर्ड्स की डेथ हो गई तो जो डेथ बर्ड है उसको नहीं काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्ड्स जो थे पर डे लाइव बर्ड कितने थे उसको सम टोटल करके टोटल नंबर ऑफ़ लाइफ बर्ड्स कितने इंटू हंड्रेड कर देंगे ठीक है और हैन हाउस एवरेज में डिफरेंस ये होता है कि इसमें अगर हमें पर डे निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ़ एग जो उस दिन प्रोड्यूस हुआ उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स जो लेइंग में इनिशियली लेइंग स्टेज स्टार्ट होते टाइम जो टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड जो थे उस टाइम पे उससे डिवाइड करेंगे इनटू हंड्रेड एंड अगर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जानना है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में टोटल नंबर ऑफ़ एग जो प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ हैन जो लेइंग जो फर्स्ट डे पे जो टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स लेके आए थे फॉर लेइंग इनटू टू हंड्रेड करेंगे ठीक सो so, किसी भी एग uh, इंडस्ट्री के लिए डिजायरेबल होता है कि हैंन डे एवरेज एटी या इससे अधिक हो एंड हैन हाउस एवरेज जो है प्रिफर करते हैं कि इट शुड बी एटी परसेंट और मोर देन एटी परसेंट राइट सो लेयर यू ऑल नो फीमेल हैन विच इज़ जैसे मीट पर्पज़ के लिए जिस हैन को रियर करते हैं उसको ब्रॉयलर कहते हैं एंड एग प्रोडक्शन के लिए जिसको रियर करते हैं उसे लेयर मोल्ट इज एगेन इम्पोर्टेंट मोल्ट एक फेज होता है इन दी लाइफ साइकिल ऑफ दी बर्ड जिसमें बर्ड्स के जो फैदर्स हैं ये झड़ने लग जाते हैं इसकी शेडिंग होती है ठीक है और जो न्यू फैदर्स हैं वो जनरेट होते हैं तो ये जो एक प्रोसेस है इसको मोल्ट कहते हैं एंड बेसिकली इसके पीछे ये हार्मोनल कॉज होता है एंड स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है बट नेचुरल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो हार्मोन्स कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन्स के वजह से होता है जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड से जो रिलीज़ होती है कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स ग्लूको या मिनरलोकॉर्टिकोइड्स की वजह से होता है एंड जब बर्ड इस मोल्डिंग स्टेज में होती है एग प्रोडक्शन नहीं होता है उस टाइम ठीक है इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इन दिस स्टेज वर्ड में जो इस्ट्रोजन एल एच एंड प्रोजेस्टरोन की मात्रा है ये कम हो जाती है इसके वजह से इट्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एग और बेसिकली जब एग प्रोडक्शन स्टेज में बर्ड होती है तो जितने भी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एग फॉर्म करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है तो इस स्टेज में वो कोई एग प्रोड्यूस नहीं करती और जो भी न्यूट्रिएंट्स उस समय वो खा रही है फीड के थ्रू जो उसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो रहा है वो एज अ रिजर्वायर वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखती है उन न्यूट्रिएंट्स को ठीक है सो कोर्टिकोस्टिड हार्मोन्स आर इन्वॉल्व एंड इट कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड यानी कि इट कैन आल्सो बी स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेस सो स्पेंट हैंड एग्ज़ाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं सो बेसिकली लेयर्स जो उनकी जो इकोनॉमिक एगलिंग लाइफ है उसके एंड में यानी कि एक प्रोडक्शन जो उनकी लाइफ होती है सेवेंटी टू वीक्स की साइकिल तो उसके एंड में जब आ जाती है तो उसको स्पेंट हैंड कहते हैं दैट इज़ दी हैंड अब इनको फर्दर एग प्रोडक्शन के लिए कमर्शियली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इनका एग प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा सो दिस वर्ड दी टर्मिनोलॉजीज ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थे जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना ये जो टेबल uh, है इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे एंड मेमोराइज़ कर लेंगे बिकॉज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही एक क्या इट कैन बी मोर देन फाइव और सिक्स क्वेश्चन इनमें से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑल्सो फ्रॉम दी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू वाइवा में भी इनमें से सवाल पूछे जाते हैं ठीक है ये आपको याद करना है जैसे अलग अलग एनिमल्स हैं बोवाइन है ओके ओवाइन शीप कैपराइन गोट स्वाइन पिग है हॉर्स है तो इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके ग्रुप को क्या कहते हैं कभी आपसे पूछ लेंगे कि ग्रुप ऑफ कैटल को क्या कहते हैं तो हर्ड ग्रुप ऑफ बफेलो को कहते हैं हर्ड ग्रुप ऑफ पिग को क्या कहते हैं या आपसे पूछ लेंगे डी आर ओ वी ड्रोव इज अ ग्रुप ऑफ डैश तो यू शुड नो कि पिग का जो ग्रुप ऑफ पिग है उसको हर्ड भी कहते हैं स्टॉक भी कहते हैं ड्रोव भी कहते हैं हॉर्स uh, का जो ग्रुप है उसको पैक इसी तरीके से uh, कौन से डोमेस्टिक एनिमल के एडल्ट मेल को क्या कहते हैं एडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए ठीक है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शीप के केस में जो एडल्ट मेल है उसको रैम कहते हैं एंड एडल्ट फीमेल को ई कहते हैं उसी तरीके से आपको ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हर एंगल से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिक टर्म्स बेसिक जो है नाम है आपको पता होने चाहिए कि किसके कौन से शीप के एडल्ट को क्या बोलते हैं गोट के एडल्ट के एडल्ट को क्या कहते हैं यंग वन को क्या कहते हैं like, लाइक बहुत बार कोल्ड एंड फिल्ली पूछ लेते हैं कि कोल्ड वी कॉल कोल्ड किसे कहते हैं यंग मेल जो होता है हॉर्स का या फिली जो यंग फीमेल होती है हॉर्स की इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूबॉर्न को क्या कहते हैं कास्ट्रेटेड पे तो एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है ठीक है तो जो जेल्डिंग है जो कास्ट्रेटेड हॉर्स है उसको जेल्ड gel, या जेल्डिंग कहते हैं इस तरीके से ये तो आपको डेफिनेटली बाई हार्ट होना चाहिए ठीक है फ़ीमेल के किसों को याद ही नहीं करना है हर उसमें जो स्टेराइल फ़ीमेल होती है उसको स्पेड कहते हैं ठीक है एंड एक्ट ऑफ पार्चुरेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसके एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या कहते हैं या काविंग ये आपको पता होना चाहिए एक्ट ऑफ मीटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो क्राई इज़ साउंड वो कैसा प्रोड्यूस करते है कौन सा एनिमल वट काइंड ऑफ साउंड दे आर प्रोड्यूसिंग जैसे कि इन केस ऑफ स्वाइन के केस में जो साउंड है वो ग्रंटिंग ठीक है इस तरीके से ब्लीटिंग इन केस ऑफ शीप एंड गोट सो क्रोमोजम नंबर भी आपको ये ब्रीडिंग चैप्टर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि किस में कितना क्रोमोज़म नंबर होता है लाइक इन केस ऑफ काओ एंड गोट के केस में क्रोमोज़म नंबर आर सेम सिक्सटी और ये जो क्रोमोज़म नंबर है बफेलो के केस में कभी कभी पूछते हैं कि दो टाइप के बफेलोज होते हैं रिवराइन एंड स्वाम्प तो आपसे पूछ अलग अलग भी पूछते हैं कि रिवराइन बफेलो का क्रोमोजम अलग होता है स्वाम्प का अलग होता है आई थिंक फिफ्टी इज़ फॉर रिवराइन बफेलो और स्वैंप बफेलो का आई थिंक इट्स अराउंड फोटी एट आई एम नॉट कन्फर्म द्रोमोजम नंबर इज़ अराउंड फोर्टी एट सो हॉर्स में सिक्सटी फोर क्रोमोजम नंबर है और जो डंकी होती है उसमें सिक्सटी टू होता है और जो म्यूल होता है उसका क्रोमोजम नंबर सिक्सटी थ्री होता है ठीक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो दिस सो दैट्स इट थैंक यू